ये देखिए देखिए, कुत्ते ने कुछ देख लिया है। देखिए देखिए, कुत्ते ने देखा कुछ, बहुत बड़ा है। मेरे को भी डर लग रहा है इसके अंदर इसको देखने में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से। इसका पूछ इधर है। रोमी नमस्कार। उत्तराखंड, उत्तराखंड की लोक संस्कृति सभ्यता के साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के रीति रिवाज, यहाँ के गाढ़ गधेरे, नदी नाले, खान पान के साथ साथ आपको रूबरू कराया जाए। इसी सीरीज में मैं आपको आज अभी जहाँ पर ले चला हूँ, ये रामगंगा नदी है और रामगंगा नदी के आसपास घनघोर जंगल है, और इस घनघोर जंगल में आपको कुछ जंगलों में जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। मेरे साथ मेरा रोमी है जो कि भोटिया नस्ल का डॉग है, और मैं उसके भी आपको वीडियोस दिखाऊंगा। हो सकता है यहाँ पर जंगली जानवर का थोड़ा खतरा बना रहता है, हो सकता है हम पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जंगली जानवरों की भी आप लाइव तस्वीरें दिखा पाऊंगा। यहाँ पे बाघ होते हैं, यहाँ पे जंगली सूअर होंगे, यहाँ पे भालू भी होगा, और कई तमाम प्रकार के वो खतरनाक जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं। जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ, यह स्थान है, अभी आपको ये भिक्यासैंण वाली रोड यहाँ से बन रही है, और सामने यहाँ पे एक पुल का निर्माण हो रहा है। चलो दोस्तों, आपको अब ले चलते हैं जंगलों की ओर। और हम अब जंगलों की तरफ पहुंच चुके हैं, और रोमी ने कुछ देख लिया आगे, रोमी ने कुछ देखा हुआ है तो आगे निकल पड़ा है। हम अब जंगलों के बीच से निकल रहे हैं, और रोमी की नज़र कुछ जंगली जानवरों पर लगी है। अभी हमने तो देखा नहीं है, बट हाँ यहाँ पर लंगूर जरूर है, लंगूर जरूर थे यहाँ पे पीछे। तो जहाँ पर लंगूर होते हैं वहाँ पर बाघ भी जरूर होता है, तो अब देखते हैं आगे जा करके। देखिए इसने कुछ देखा हुआ है। ये जामुन के पेड़ आपको देख पा रहे, बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। बचपन में हम यहाँ पर खाया करते थे जामुन खाने के लिए, और एक सामने वो भी पेड़ दिख रहा है जामुन का। ये जंगल बहुत घनघोर हो चुके हैं, अब रास्ता भी नहीं है यहाँ पे चलने लायक। उम्मीद है कि आगे हमें ज़रूर कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइस, ये हमारा उधर सामने घर है, वहाँ पे हमारा गांव है, और हम अभी इतनी दूर चल कर के आए हैं यहाँ पे। ये यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाते हैं, और हम यहाँ पाए थे, रोड तो नीचे है लेकिन हम ऊपर जंगलों की तरफ आ गए हैं, और ये पूरे घनघोर जंगल हैं, और जंगलों के बीच में हम अभी हैं, और उम्मीद लगा करके इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ जंगली जानवर हमें यहाँ पर देखने को मिले, और मैं आप लोगों को उसके लाइव तस्वीरें दिखा पाऊँ, और हमारा रोगी उनके पीछा करेगा, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए देखिए, कुत्ते ने कुछ देख लिया है। देखिए देखिए, कुत्ते ने देखा कुछ। हमने पूरा अभी इधर साइड का एरिया देख लिया है, बट अभी तक हमारे हाथ कुछ भी जानवर नहीं लगा है, और उम्मीद है कि मैं जिस जंगल की तरफ अब दूसरे तरफ जा रहा हूँ, ये और घनघोर जंगल है, सुनसानी बहुत है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं इधर मुझे बाघ या कुछ तेंदुआ अटैक ना कर जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। टकटकी लगा करके इंतज़ार कर रहा हूं, आप भी इंतज़ार कीजिए। आप देखेंगे इधर का रास्ता बिल्कुल बंद हो रखा है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम इधर अभी जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं नीचे के रास्ते के अंदर से घुसने की कोशिश करूँगा। नीचे शायद हो सकता है कुछ रास्ता हो अंदर जाने के लिए, ताकि मेरा रोमी और मैं जा सकूँ अंदर, और आप लोगों को कुछ जंगली जानवरों की तस्वीर दिखा पाऊँ, लाइव तस्वीरें। सामने नीचे रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी यहाँ से बहुत दूर है, पास में दिख रही है, मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये रामगंगा नदी है, ये देखिए, ये सीधे नीचे रामगंगा नदी है,
सुनसान एरिया है, नीचे रामगंगा नदी है। देखिए इधर की तरफ थोड़ा घनघोर जंगल है जहां मैं खड़ा हूं, तो इधर थोड़ा सा ज्यादा खतरा बना रहता है। मुझे तो अभी तक लेकिन कोई जंगली जानवर देखने को नहीं मिला है, मेरा रूमी भी इंतजार कर रहा होगा। देखिए हमारा रोमी को मज़ा आ रहा है, शायद वो अभी रामगंगा नदी में जाएगा तैरने के लिए। उसको मज़ा आ रहा है क्योंकि धूप लग रही है। और देखिए वो पहुंच गया, वो पहले पहुंच गया देखिए नदी में। यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम है तो उसको शायद मज़ा आ रहा है। अभी मैं भी जाऊँगा तो पानी में चले जाएगा। दोस्तों अभी मैं इस नदी से जाऊंगा, क्रॉस होकर के सामने जाऊंगा, मेरा रूमी भी मेरे साथ आएगा। और यहां से आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि पुल का निर्माण यहां पर चल रहा है अभी। भिकेशन वाली रोड है, मरचुला भिकेशन वाली, यहां से पुल का निर्माण अभी चल रहा है जो कि कार्य प्रगति पर है अभी। देखो कितना खुश हो रहा है बेचारा, कितना खुश हो रहा यार, मज़ा आ रहा है इसको। तेरे को ऐसे चाहिए क्या डेली, ऐसे चाहिए तेरे को? ये देखो खुश हो रहा है, बस उसको ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए इसको। क्या देखो आज देखो मेरे को काट रहा है, मेरे को बोल रहा है शायद कि चलो डुबकी लगाते हैं। इसका ही मन कर रहा है नहाने को। अभी ज़्यादा पानी में जाऊंगा तो ये तैरेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो खुश हो रखा, खुश, मज़ा आ गया तेरे। यहाँ पे गहरा पानी है तो ये तैर लग गया। देखिए यहाँ पे नेवला है, बहुत बड़ा है नेवला है यहाँ पे। देखिए यहाँ इसके अंदर बहुत बड़ा नेवला है, मेरे को भी डर लग रहा है इसके अंदर इसको देखने में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से। इसका पूछ इधर है, रोमी ने भी देख लिया उसको, रोमी ने देख लिया उसको। आप देखिए इसके अंदर बहुत बड़ा नेवला है, बहुत बड़ा, और मैं इसको बाहर भगाने की कोशिश करूंगा और लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, कुत्ते ने देखा हुआ उसको। नहीं आ रहा, चल छोड़, अंदर घुस गया। तो दोस्तों अभी कुत्ते ने कुछ देखा हुआ है इधर, कुछ जंगली जानवर तो गया है, देखते हैं क्या है। इसके ऊपर गया, अभी जा रहा है, आवाज आ रही है, कुत्ते ने आवाज तो सुनी हुई है। देखो कुत्ते ने देख लिया है, कुत्ता जा रहा है, उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उधर से रास्ता है नहीं, जा नहीं पाएगा। कहीं बाघ ना हो, कहीं जंगली सुअर ना हो, कुत्ता घुस गया उधर, उधर से घुस गया। देख कुत्ते ने, कुत्ता पहुंच गया ऊपर, कुत्ता ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया कुत्ता, लेकिन वो फंस गया है। दोस्तों कुछ तो था, लेकिन यहाँ ऊपर जाना सही नहीं है क्योंकि कुछ जानवर हो सकता है, जैसे अजगर हो गया, डर लगता है कि अजगर दिखाई दिया, या फिर बड़ा नेवला दिखाने को मिल सकता है, जैसे अभी हमने देखा था रास्ते पे, तो अटैक कर सकता हम पर। अरे जा, और कितनी देर से जा, जा जा। और कर दिया